एक्सरसाइज 7.1, इसमें क्या दिया गया? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, और दूसरा केस है आपका रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहला केस देखिए आप, यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो वंस का प्लेस होता है, और उसके बाद आपका टेंस का प्लेस होता है, और उसके बाद आपका हंड्रेड का प्लेस होता है। एच लिख देते हैं इसके लिए खाली हम। तो आप देखिए, अगर मैं हंड्रेड के प्लेस की अगर बात करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो हंड्रेड के प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास? ये सारे नंबर अवेलेबल है, तो यानी कि टोटल ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन भरे जाते हैं, याद रहे, यहाँ पर ये जो आपका मेथड है इसमें है आपका ऑप्शन, तो टोटल ऑप्शन अवेलेबल आर 5। नेक्स्ट के लिए, टेंस के लिए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, ध्यान रहे रिपीटिशन अलाउड है, तो यानी कि आपने अगर कोई नंबर यहाँ पर रख लिया तो वो नंबर आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, तो यानी कि इसके लिए भी आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से वंस के लिए भी 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब मैंने जैसे कि बताया, इनको मल्टीप्लाई करना होता है ऑप्शंस को, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। तो उसने पूछा हाउ मेनी डिजिट्स, तो 125 टाइप्स ऑफ डिजिट्स यू कैन मेक, 125 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स यू कैन मेक। ठीक है, तो इतनी डिजिट्स आप बना पाओगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप सोचिए, जो हंड्रेड्स का प्लेस है अगर उसको हमने शुरू में फिल करना शुरू किया, तो उसके लिए तो 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं, नहीं, जो भी नंबर आपने हंड्रेड के प्लेस पे यूज कर लिया वो आप टेंस के प्लेस पे यूज नहीं करोगे, तो टेंस के लिए आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे खाली, और इसी तरह से वंस के लिए केवल 3 ऑप्शन रह जाएंगे। अब आप इनमें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सोच लीजिए कितना आएगा, इसका आ जाएगा 60। तो यानी कि 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स यू कैन मेक वेयर द नंबर्स आर नॉट रिपीटेड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया पढ़ लीजिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9, 0 to 9 तक के आपको डिजिट्स अलाउड हैं, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, यानी कि जो भी आपका नंबर स्टार्ट होता है वो 6 और 7 से स्टार्ट होता है। यूजली आपने टेलीफोन नंबर्स में सीरीज देखी होगी ना, जैसे कि 88 की सीरीज चल रही है, ठीक है, 91 की सीरीज चल रही है आपकी, तो उसमें शुरुआत के जो नंबर होते हैं फिक्स होते हैं, और बाद के नंबर आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने कहा है कि जो ये जो नंबर है, मतलब यहां पर आपका 6 और 7 फिक्स कर दिया, फिक्स्ड, अब फिक्स कर दिया, यानी कि ये तो आपका लॉक हो गया ना, ये पोजीशन तो आपकी लॉक हो गई, ये पोजीशन आपकी लॉक हो चुकी है, मतलब इन पोजीशन को आपका लॉक कर दिया गया है ऑलरेडी, तो इसका तो ऑप्शन लेना ही नहीं, इस पे तो 6 भी फिक्स कर दिया, इस पे 7 फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया। अब आपके पास ये सिर्फ 3 पोजीशन रहेगी, इस पे आप कोई भी नंबर दे सकते हो। अच्छा, एक चीज और देखें, क्या उसने क्या है, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोजीशन आपकी खाली बच रही है, इस पे 6 और 7 नहीं आ सकता, बाकी तो सब आ सकता है, तो 6 और 7 मतलब कितना काउंट कम कर दिया। अच्छा, 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं, कितनी टाइप्स की डिजिट होती हैं? 10 तरह की डिजिट्स होती हैं, तो 10 में से 2 तो कम हो जाएंगी, क्योंकि 6 और 7 आप ले नहीं सकते। तो ऑप्शंस अवेलेबल कितने हुए यहाँ के लिए? 8 ऑप्शंस। तो मैं एट एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ ऑप्शंस, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, 8 ऑप्शंस हैं इसके लिए। अब इसके लिए कितने होंगे? एक कम हो जाएगा, तो 7 ऑप्शंस हो जाएंगे, 7 ओपीटी, ओपीटी मतलब ऑप्शन, इसके लिए आपके 6 ऑप्शंस, 6 ओपीटी। तो अब ऑप्शंस की मल्टीप्लाई करनी होती है खाली हमारा, तो आपने क्या करना है, 8 × 7 × 6 कर दीजिए, और बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ रहा है हमारा, 336। बिल्कुल सही बताया, 336। तो इतने टाइप ऑफ टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया, और फाइनल आंसर को हाईलाइट कर दीजिए। तो इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।